सियाने गियारी सेक्टर में बर्फानी तोदे के जद में आकर शहीद होने वाले मादरे वतन के जानबाजों की शहादत को 12 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर शुदाए वतन मीडिया सेल की जानब से मुसल्ला अफाजे पाकिस्तान की कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया और इस अजम का अहदा किया गया कि दफाए वतन की कसीर अल जहती जंग में मादरे वतन के बहादुर सपूतों की कोशिशों काविशों और कुर्बानियों के सम्राट बचाने के लिए फौज के आगे शाना बशाना अपने हिस्से का किरदार तसलसल से जारी रखा जाएगा। शुदाए वतन मीडिया सेल आगा सफीर हुसैन काजमी ने कहा कि आजाद कश्मीर का निजाम महकमा जात की कारकर्दगी को सोशल मीडिया और फाइलों के जरिए चलाए जाने के बजाय हकीकी मानों में दाखिली अमन व इस्तेकाम को मजबूत करने के लिए ग्राउंड पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का असली दुश्मन इंडिया गैर एलानिया मगर फैसला कुन जंग कर रहा है। उसने पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार बनाने की मजबूत कोशिशों के साथ कश्मीरियों की तहरीक को सबोताश करके तवील मुद्दत से दी गई कुर्बानियों पर पानी फेरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए है। आजाद कश्मीर में इंतजार पैदा करके मजीद हासिल करना चाहता है। शुदाए ग्यारी सेक्टर के शहीदों की 12वीं योम शहादत के मौके पर शुदाए वतन मीडिया सेल की जानब से डिजिटल मीडिया में काबले कदर खिदमात की अंजामदेही करने वाले अरफान अकरम को रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया और करार दिया कि जमाती कौमी मफादात में हर मुमकिन किरदार का एतराफ करने का सिलसिला जारी रहेगा।